We definitely took a feedback from a lot of clients, and this is based on a research that we did for 2 years. We created this small program of 2 days. We have already done few programs in the past for kids and teens. This is a program where we will interact with your children and give them some insights about how they should have their relationship with money. So for that, I would like to welcome my youngest team member, Charmi, who is going to be your teacher and trainer for this webinar. Before I hand over to Charmi, there are a few ground rules. मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एवरीवन प्लीज कीप योर कैमरास ऑन एंड प्लीज बी ऑन म्यूट व्हेन एवर वी वांट टू आस्क यू. थैंक यू सो मच सक्षम. अरे यू अगेन वेंट. प्लीज स्टार्ट योर कैमरा सो वी आर एबल टू सी योर लवली फेसेस एंड ग्रेट. एंड आई ऑल्सो एक्सपेक्ट ऑल द पेरेंट्स, इफ दे आर बिसाइड योर चिल्ड्रन, प्लीज प्लीज बी विथ योर चिल्ड्रन. देर आर some instructions that will be given to you also. This is more like a session where we expect the children also to participate. Please feel free to participate. कोई मन में अपना सवाल है तो please ask चार्मी दीदी. She is there to help you and she will definitely answer all your questions. There will be interesting interactive questions. Please be a part of it. So, without a further wasting your time, I would like to hand over the session to Charmi. Charmi, are you ready? Yes, sir. Thank you so much for a Great. wonderful introduction. Good morning, friends. Hi, Alisha. Hi, Anjusha. Hi, Saksham. Am I audible? Yes, no. Amazing, amazing. और बाकी सब लोग, who is there? Let me check. अश्विन सर, अविनाश कदम, रोनन, स्विच ऑन योर कैमरा सो हम लोग मस्त इंटरेक्ट कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू हैव सम टास्क तो साथ में हम लोग कर सक स्टार्ट कर सकते हैं. सो इफ पॉसिबल प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. अमेजिंग. थैंक यू रोनन. ओके, शैल वी बिगिन? यस नो, थम्स अप दे दो या चैट बॉक्स में यस लिखो. सो विल स्टार्ट. ओके, अमेजिंग. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चिल्ड्रन एंड मनी. व्हाट इज मनी? पता होगा ना, अभी इतने तो बड़े हो आप लोग, पैसे यूज करते हो. व्हाट इज मनी? व्हाट इज मनी? सक्षम, पैसा क्या है? यू कैन अनीशा, अनम्यूट रोनन, हाँ यू कैन अनम्यूट एंड टेल. गलत आंसर हुआ तो क्या है, रोज यूज करते हो. अच्छा, व्हाट कैन वी डू विथ मनी, ये तो पता होगा ना. वी कैन बाय थिंग्स अमेजिंग सक्षम. व्हाट कैन वी डू विथ मनी? वी कैन बाय थिंग्स विथ मनी. ओके अलीशा, डू यू हैव एनी अदर आंसर? नो. फाइन. सो अकॉर्डिंग टू मी मनी इज बेसिकली अ पेपर विथ मैजिकल पावर. क्यों? क्योंकि हम लोग को सपोज आपको वीडियो गेम लेना है तो यू विल रिक्वायर मनी. आप शॉप में जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तभी वीडियो गेम देगा ना. ऐसे देगा? नहीं देगा. सो इफ यू वांट टू बाय सपोज बर्गर, बुक्स या कुछ भी चीजें लेने के लिए जो भी, तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत रहेगी. सो मनी हेल्प्स यू टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी चीजें आपको बाय करनी है उसके लिए यू विल रिक्वायर मनी. सर्विसेज मतलब क्या? आप कॉलेज में, सॉरी स्कूल में जाते हो, ट्यूशन में जाते हो, बराबर? तो वहां पे आप फीस पे करते हो, करेक्ट? तो जैसे कि हम लोग वीडियो गेम लेने जाते हैं तो वीडियो गेम आपकी खुद की हो गई, यू कैन टच इट, यू कैन कीप इट. वैसे ही जब आप ट्यूशन या स्कूल में जाते हो तभी आप वो चीज को अपने पास रख नहीं सकते. यू कैन नॉट सी इट बट नॉलेज आपको मिल रही है, राइट? तो जो चीज को आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप रख नहीं सकते हो, दैट आर कॉल्ड सर्विसेज. तो हम लोग मनी के साथ क्या बाय कर सकते हैं? वी कैन बाय गुड्स एंड वी कैन बाय सर्विसेज, राइट? सो दैट मनी इज बेसिकली अ समथिंग विथ मैजिकल पावर. जो आपको जो भी चाहिए वो चीज आप ले सकते हो मनी से. यहाँ तक क्लियर? यस नो? यस अमेजिंग. सो
सो इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी कहाँ से आया? ऐसे ही तो नहीं आया रहेगा, झाड़ पे से तो नहीं होगा, कहीं से तो आया है. सो कहाँ से आया? सो मनी सबसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था. बार्टर सिस्टम मतलब कि सपोज ऐसा कि सपोज सक्षम एंड आदि ये दोनों स्कूल में गए हैं, दोनों बाजू बाजू में बैठे हैं और एक के पास बर्गर है और एक के पास सैंडविच है, ठीक है. अभी सक्षम के पास बर्गर है सपोज एंड आदि के पास सैंडविच है, तो सक्षम बोलता है यार मुझे नहीं खाना बर्गर, मुझे तो सैंडविच खानी है. तो सक्षम आदि को बोलता है कि यार तेरी सैंडविच मुझे देना, और आदि बोलता है कि ठीक है चलेगा ले ले मेरी सैंडविच, और आप बर्गर ले लेते हो और सक्षम को सैंडविच मिल जाती है, आप दोनों ने अपने टिफिन एक्सचेंज किए. सो दैट इज व्हाट बार्टर सिस्टम इज. बार्टर मतलब कि आपके पास कुछ है एंड सामने वाले के पास कुछ है और वो आप एक्सचेंज कर रहे हो, राइट. तो पहले के टाइम में ये होता था, बार्टर सिस्टम होता था, पैसे नहीं थे. अभी जो हमारे पास नोट्स है, लेट इट बी इन मोर इंग्लिश, ओके नो प्रॉब्लम. बाकी सब कुछ आएगा इंग्लिश में? यस. ओके फाइन कूल. सो पहले के टाइम में मनी वॉज नॉट देयर, राइट. सो वॉट दे यूज टू डू, इफ आई एम सेलिंग एप्पल ओके एंड सक्षम इज सेलिंग शुगर, तो सक्षम वॉन्ट्स टू ईट एप्पल टूडे, तो वो आता है मेरे पास एंड मतलब सक्षम कम्स टू मी एंड ही वॉन्ट्स टू ईट एप्पल, तो मुझे बोलता है कि आई हैव सम शुगर. अभी ऑल सक्षम डजंट हैव मनी, राइट. तो उसके पास जो है वो है शुगर है, तो ही कम्स टू मी एंड टेल्स मी के कैन यू गिव मी एप्पल, आई हैव शुगर, आई गिव यू शुगर एंड कैन यू गिव मी एप्पल. तो मैं बोलती हूँ ठीक है चलेगा, तो मैं उसको कुछ एप्पल देती हूँ एंड सक्षम मुझे रिटर्न में शुगर देता है, ठीक है. अभी नेक्स्ट उसको वापस एप्पल खानी, इज वेरी हंग्री ओके. वापस वो आता है, वापस बोलता है कि ये ले शुगर और मुझे दो एप्पल. तो मैं बोलती हूँ यार कल ही तो शुगर दिया था, आज वापस मुझे नहीं चाहिए, करेक्ट. तो अभी सक्षम को क्या करना पड़ेगा, उसको तो एप्पल चाहिए, यू विल हैव टू गो एंड फाइंड समवन एल्स हु सेल्स एप्पल. तो उसके लिए अभी के टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि डू यू हैव एप्पल, ऐसा कुछ कर सकते हैं. बट पहले के टाइम में वो अवेलेबल नहीं था, उसको चल के जाना पड़ता था, ही वुड हैव टू वॉक एंड फाइंड समवन हु सेल्स एप्पल, राइट, एंड देन हु रिक्वायर्स शुगर्स इन एक्सचेंज. तो ये सिस्टम वॉज नॉट वर्किंग आउट फॉर एवरीबडी, तो वो लोगों ने बोला कैंसिल, दिस सिस्टम वुड नॉट वर्क, वी नीड समथिंग एल्स. सो दे कम अप विथ एन आइडिया, तो वो लोगों ने क्या किया, शेल्स है, फिर कॉफी बीन्स है, जो यूजुअली एवरीडे यूज प्रोडक्ट जो है, शुगर शेल्स देन कॉफी बीन्स, दे स्टार्टेड यूज ट्रीटिंग दोज थिंग्स एज मनी ओके. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव फाइव शेल्स, सो आई कैन गिव फाइव शेल्स टू द पर्सन हु इज सेलिंग एप्पल एंड आई कैन गेट वन एप्पल इन रिटर्न, एंड देन इफ आई गिव 10 शेल्स आई विल गेट टू एप्पल. सो दैट वे दे स्टार्टेड वर्किंग आउट. बट देन क्या हुआ के शेल्स के, हर शेल्स के शेप अलग थे. अगर सपोज वो लोग स्टोन्स यूज कर रहे हैं तो स्टोन्स भी कभी अलग अलग शेप के थे, इट इज नॉट प्रॉपर सिस्टम. तो सबने बोला दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग आउट. देन दे शिफ्टेड टू गोल्ड. गोल्ड जो भी हम लोग ऐसा तिजोरी में रखते हैं, संभाल के रखते हैं, दे यूज टू ट्रीट दैट एज अ मनी, ऐसे पॉकेट में लेके घूमते थे. तो वो मनी के हिसाब से यूज करने लगे, मेटल कॉइन्स यूज करने लगे. Disturbance on screen. Is it gone now, Amol sir? No, it's coming in. No, off. No, we have that. Please remove this window coming on and off. Can you just share that screen again? Okay, I'll do it. Wow. अब सही है? Yeah, it's gone now. Later. Oh, fine. Sorry. So, yes. So, gold के साथ करने लगे exchange, पर फिर उसमें भी दिक्कत थी, because अगर suppose मुझे world tour पे जाना है, ठीक है, तो मुझे कितना सारा गोल्ड, कितने पैसे तो चाहिए होंगे ना, वर्ल्ड टूर पे जाना है तो कितने सारे पैसे चाहिए होंगे. तो अब इतने सारे गोल्ड कॉइन्स, अब उसका वेट भी ज्यादा होगा. अभी हम लोग जो 1 रुपी 2 रुपी के कॉइन यूज करते हैं, उसका वेट कितना हल्का रहता है, राइट, इट्स नॉट दैट हैवी. बट तभी जो गोल्ड यूज करते थे उसका वेट भी बहुत ज्यादा था,
तो और फिर वो चोरी हो गया कहीं पे गिर गए तो क्या. तो सबने बोला दिस सिस्टम इज ऑल्सो नॉट वर्किंग वी नीड समथिंग एल्स. तो वो लोग आए विद पेपर मनी. पेपर मनी क्या है वी यूज इट नाउ. व्हाट इज पेपर मनी जयशंकर. व्हाट इज पेपर मनी वी यूज इट नाउ. यू गाइस मस्ट बी नोइंग करंट मनी वी आर यूजिंग. यस परफेक्ट. 10 रुपी नोट 100 रुपी नोट दैट वी यूज राइट नाउ इज पेपर मनी. सो वो हल्का भी है आराम से पॉकेट में भी रह सकता है सब कुछ बढ़िया है तो इसके लिए पेपर मनी आया. बट फिर इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी हाउ मच कैश यू विल कीप एट होम. तिजोरी में रखोगे सपोज चोरी हो गया तो देन अगर वापस अगर आपको घूमने जाना है तो कितने सारे पैसे लेके घूमने पड़ेंगे. तो सबने बोला वी नीड अ सोल्यूशन फॉर इट. तो तभी क्या आया सब लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट करने लगे. इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट अ लॉट ऑफ मनी एट होम दे स्टार्टेड डिपॉजिटिंग इट टू द बैंक. अभी उसमें क्या प्रॉब्लम था सपोज अभी मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए एंड नाउ आई रिक्वायर मनी अर्जेंटली. ठीक है अभी मेरे को इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो व्हाट आई वुड हैव टू डू आई हैव टू गो टू द बैंक स्टैंड इन द क्यू. एंड अभी मेरे को अकेले को तो नहीं चाहिए होगा ना. जयशंकर को चाहिए होगा रोनन को चाहिए होगा आदि को चाहिए होगा सबको पैसे की जरूरत है. सब लोग आए रहेगा अपना अपना पैसा विड्रॉ करने. तो अभी सब लोग क्यू में खड़े है फिर मेरा नंबर आएगा फिर वो पैसे देगा. तो इट वॉज वेरी टीडियस एंड अ लॉन्ग प्रोसेस. तो सबने बोला दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग आउट वी नीड सोल्यूशन फॉर इट. सो उसके लिए फिर अभी आया प्लास्टिक कार्ड्स जो हम लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं एंड देन गूगल पे. ये हम लोग सबको पता रहेगा क्या है. सो पता रहेगा कभी स्वाइप करते हैं तो वो पैसा कहाँ से जाता है. डू यू नो वो पैसा कहाँ से जाता है. स्वाइप करते पेमेंट हो जाता है वो पैसा कहाँ से आया कैसे पेमेंट हुआ. बैंक. अमेजिंग आदि. तो वो दैट इज लिंक्ड विद द बैंक. गूगल पे से हम लोग जब भी वो स्कैन करके ऐसे पेमेंट करते हैं दैट इज लिंक्ड विद द बैंक. तो बैंक में से डायरेक्टली पैसा चला जाता है. यू डोंट नीड टू गो टू बैंक एंड स्टैंड द क्यू. तो दैट इज व्हाट पेपर मनी जीपे एंड कैश इज व्हाट वी आर यूजिंग राइट नाउ. एंड दैट इज क्रिप्टो करेंसी. सुना है किसी ने क्रिप्टो करेंसी ऐसा कुछ. यस यस. सो इट्स बेसिकली नॉट अभी तो मतलब ऐसा यूज नहीं कर रहे क्रिप्टो करेंसी से. वी कैन नॉट पे बट जब भी मे बी यू गाइज आर ऑफ माई एज यू विल ट्रांजेक्ट विथ क्रिप्टो करेंसी मे बी पॉसिबल है. तो वो क्या है इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट. तो वी विल टॉक अबाउट इट मे बी नेक्स्ट मंथ और सम डे. हम लोग एक प्रॉपर वेबिनार रखेंगे जहाँ पे हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे. यू ऑल विल अटेंड. यस नो थम्स अप. यस थैंक यू. सो मनी कहाँ से आया पता चला कैसे इवॉल्व हुआ. नाउ वेयर डज मनी कम फ्रॉम कहाँ से आया. लाइक हु प्रिंट्स द मनी डू यू नो. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हु इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ओके. जयशंकर डू यू नो. बैंक ऑफ बैंक. परफेक्ट. सक्षम पटनेकर. साक्षी केविन. यस मैम. यू ऑल नीड टू आंसर कम ऑन एंड इफ पॉसिबल प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. डू यू नो व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो बेसिकली हमारे घर पे ग्रैंडपा ग्रैंडमॉम है करेक्ट. दादा दादी रहते हैं तो वो कैसे हमारा ध्यान रखते हैं. सपोज आपको घुमाने लेके जाते हैं वो देन अगर आपने मिस्टेक किया तो आपको चिल्लाते हैं कि दिस इज नॉट राइट. आपको पनिश करते हैं देन दे टेक केयर ऑफ यू. सेम वे जो सारी छोटे छोटे बैंक्स है आपने सुना रहेगा कोटक फिर आपने सुना रहेगा सारस्वत बैंक. ये सब जो छोटे छोटे बैंक्स है उसका जो ग्रैंडपा जो दादा है जो उसका ध्यान रखता है हु मॉनिटर्स इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो दे ऑल्सो प्रिंट मनी. 100 रुपीज का नोट 200 रुपीज का नोट ऐसा पैसे वो लोग प्रिंट करते हैं. एंड अभी वो अभी हमारे पास कैसे आता है वो समझते हैं हम लोग. ठीक है तो सपोज 200 के उन्होंने 100 नोट्स प्रिंट कर दिए एंड अलग अलग बैंक में है. ठीक है एंड यू हैव बैंक अकाउंट अलग अलग बैंक में. वहां पे जाके आप आपका पैसा विड्रॉ करवा रहे हो. ठीक है अगर सपोज आपको आज चाहिए 200 रुपीज तो आपने गए बैंक में
आपने आपका पैसा 200 रुपीस विड्रॉ करवाया. नाउ यू वॉन्ट टू बाय अ चॉकलेट फ्रॉम दैट 200 रुपीस. तो आप एक शॉप में गए, आपने 200 रुपीस दिया एंड आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? चॉकलेट मिलेगा ना, 200 रुपीस उसके लिए तो स्पेंड किया, तो यू गॉट अ चॉकलेट. देन अभी वो शॉपकीपर को सपोज हेयर कट करवाना है, तो वो सैलॉन में गया, उसने वो 200 रुपीस से हेयर कट करवाया. अभी वो सैलॉन में जो बंदे ने कट किया, वो बंदे को सपोज भूख लगी है, he wants to go to Domino's and eat pizza. तो वो 200 रुपीस से वो जाके पिज्जा खाया, ठीक है, तो उसने वहां पे 200 रुपीस दिया एंड उसको रिटर्न में पिज्जा मिला. तो जो पैसे है वो आपके 200 रुपीस थे, सबसे पहले किसके पास थे? आपके पास थे. उसके बाद किसके पास गया वो 200 रुपीस? स्टोरी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? 200 रुपीस किसके पास गया? शॉपकीपर. शॉपकीपर फ्रॉम शॉपकीपर टू सैलॉन एंड फ्रॉम देयर डोमिनोज. अमेजिंग, राइट? सो वो 200 रुपीस आपके जो थे वो रिवॉल्व हुए. So there is money in the system. We are not supposed to make money. We are supposed to collect it, right? तो अगर आपने वो 200 रुपीस स्पेंड नहीं किया रहता तो आपके पॉकेट में रहता, वो रिवॉल्व नहीं होता, करेक्ट? सो मनी इज देयर इन द सिस्टम, इट कीप्स रिवॉल्विंग, करेक्ट? इट इज, वी आर नॉट सपोज टू मेक मनी, वी आर सपोज टू कलेक्ट मनी. रोज नया नया मनी प्रिंट नहीं होता है, इट इज देयर इन द सिस्टम एंड इट कीप्स रिवॉल्विंग. ओके, क्लियर? तो somebody tells you make money, tell I'll earn money. I cannot make money. Okay, so I keep telling make earn money, but how do we earn money? Can we earn money? First question is, can we earn money? Our parents do earn, but can we as kids? Yes. How? Can you give me some ideas? We can build something and sell it, or we could do a job. Job, okay. We can build something and sell. Okay, Saksham, give me an idea to earn money. Saksham, Ronan, I am waiting for your reply. Kevin, Sakti. Ma'am, YouTube channel fund. Sorry? YouTube channel. Yes, yes. Amazing. Creating content basically. Anushka, how can we earn money? Do you have an idea? Ranveer, Ronan. And stock markets too. Stock markets, amazing. Or किसके पास idea है? We have a gift for you all, ना? जितने लोग अच्छे से participate कर रहे हैं, हमारे पास एक gift है last में. We have a giveaway. तो अच्छे से आपको answer देना है, तो ही मिलेगा giveaway. And it is very good. You guys will love it. अनुष्का, कम ऑन, से ओके, फाइन. पार्ट टाइम जॉब. सॉरी, योर वॉइस वाज क्रैकिंग. पार्ट टाइम जॉब. ओके, ठीक है, फाइन. सो आई विल गिव यू अ फॉर्मूला जिससे आप ऐसे कमा सकते हो. बेसिक एकदम पिलर्स बता रही हूँ व्हाट यू कैन डू. वन थिंग, सेविंग पीपल्स टाइम. मतलब जोमेटो सबको पता है ना? जोमेटो पता है, सब बच्चे को पता रहेगा. यस, व्हाई जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब फेमस है? बिकॉज दे आर सेविंग पीपल्स टाइम. अगर जोमेटो नहीं होता और मुझे घर पे पार्सल चाहिए, मुझे खाना खाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे जाना पड़ता होटल में, फिर मेन्यू देखना पड़ता, देन आई वुड हैव टू सिलेक्ट एन आइटम, फिर उसके बाद मैं वो ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर वो बंदा बनाएगा, देन पार्सल करेगा, एंड देन आई विल कम होम एंड ईट, करेक्ट? अभी अगर मुझे घर पे खाना खाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऐप खोलूंगी, आई विल जस्ट स्क्रॉल डाउन, मुझे जहाँ से ऑर्डर करना है वो होटल देखूंगी, ऑनलाइन ही मेन्यू मिल जाएगा मुझे, आई कैन सिलेक्ट एन आइटम, ऑर्डर, एंड वो फिर जोमेटो विल टेक केयर ऑफ द डिलीवरी, जोमेटो विल टेक केयर ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर एंड एवरीथिंग, ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. बाई द टाइम खाना आता है मेरा, तब तक आई कैन फिनिश माई वर्क, आई कैन डू, आई हैव 15-20 मिनट्स फॉर माई सेल्फ, राइट? So why these apps are very famous? क्यों ये सब Zomato, Swiggy सबको पता है, सब बच्चे को पता है और सब बड़े लोगों को भी पता है. Why? Because they are saving people's time, right? Then selling your time. हम लोग कैसे, अभी suppose आपका कोई neighbor है, ठीक है, उनके पास dog है,
दे डोंट हैव टाइम कि वो जाके उसको घुमा के आए. आप फ्री हो तो आप जा सकते हो ना 10 मिनट्स, ठीक है मैं जाके घुमा के आता हूँ, कुछ तो मिल ही जाएगा, पॉकेट मनी तो निकल ही जाएगी थोड़ा थोड़ा करके. करेक्ट. देन सेलिंग योर स्किल्स. सपोज यू आर वेरी गुड एट सिंगिंग, जैसे कि यूट्यूब बोला किसी ने, तो आप वहां पे कुछ अच्छे से गा के पब्लिश कर सकते हो. देन सपोज आपने आपकी यू आर गुड वन सेकेंड आपका पेंटिंग बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा पेंट करते हो, तो आप कैनवासेस वो सब बना के सेल कर सकते हो. आपको पता है कितना वो अभी डिमांड में है. अगर आप इंस्टाग्राम में कोई आप सब बच्चे यूज करते ही होंगे, इन इफ नॉट यूजिंग इट, ये सब चीजें बहुत सेल करते हैं. वेरी गुड सक्षम, नहीं यूज करना चाहिए. सो यस, सो आई वाज सेइंग कैनवासेस या कुछ ड्रॉ करके पेंटिंग बना के आप बेच सकते हो. सो सेलिंग योर स्किल्स एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेस. गुड्स मतलब आप कुछ हैंडमेड बना दिया, सपोज ग्रीटिंग कार्ड है. फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक चीज है, ठीक है सपोज एक पेन हो गई, आप कहीं से सस्ते में ले रहे हो, थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके महंगे में बेच रहे हो. करेक्ट. 2 रुपीज का पेन लिया, सपोज 2 रुपीज आपने प्रॉफिट ऐड किया और 4 रुपीज में बेच दिया. दैट कैन बी डन. देन सर्विसेस. सर्विसेस मतलब कि क्या कर सकते हो, ट्यूशन ले सकते हो. अभी आई जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, ठीक है. वेन आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, तो मेरा मैथ बहुत अच्छा था, तो मैं क्या करती थी कि मेरे बाजू में एक बच्चा रहता था हु वॉज इन 4th स्टैंडर्ड, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं उसको सिखाती हूँ. तो मैं उसको एवरी फ्राइडे मैथमेटिक्स सिखाती थी, ठीक है. तो दैट वॉज माई फर्स्ट अर्निंग. यू ऑल कैन डू एज वेल. तुम लोग भी 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के बच्चों आई गेस, तो आप लोग कर सकते हो ये चीज. सेलिंग गुड्स और सर्विसेस. कैसा लगा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला पे आप बहुत सारे आइडियाज सोच सकते हो. चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो. पैसे टाइम कैसे बचा सकते हैं? देन हाउ कैन यू सेल योर टाइम, हाउ कैन यू सेल योर स्किल्स, व्हाट आर योर स्किल्स, यू कैन नो योर सेल्फ. मतलब ऐसा वो KYS कर सकते हो खुद का कि मेरे में क्या स्किल्स है, मैं क्या कर सकता हूँ. सो दिस इज द फॉर्मूला, गोल्डन फॉर्मूला जिससे आप कर सकते हो. अभी देर आर मोर वेज टू अर्न मनी, जैसे कि ट्यूशन हो गया, असाइनमेंट लिख दिया आपने किसी का. एंड डू यू नो वॉट इज ब्लॉग? अगर आप बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा. यस. हाउ कैन वी अर्न आदि, तुझे पता है, आपको पता है कि ब्लॉग से कैसे अर्न कर सकते हैं? हाउ कैन वी अर्न थ्रू ब्लॉग्स? आई विल टेल यू. सो अभी वी कैन राइट सम आजू बाजू में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आती है, अमेजोन की एडवर्टीजमेंट आती है, फ्लिपकार्ट की एडवर्टीजमेंट आती है. सो वो जो एडवर्टीजमेंट पे सपोज मैंने आदि के ब्लॉग पे क्लिक किया, ठीक है, एंड वो ब्लॉग के आजू बाजू एडवर्टीजमेंट है, और वो एडवर्टीजमेंट में सपोज अमेजोन की है, और मैंने वो अमेजोन के एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके वो प्रोडक्ट बाय किया, तो वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए और वो क्लिक करने के लिए आदि को कमीशन जाएगा. सो दैट इज हाउ पीपल अर्न फ्रॉम ब्लॉग. देन कॉपी राइटिंग, मतलब वो आपने सुना रहेगा 2 मिनट मेरी मैगी, फिर डर के आगे जीत है, वो सब जो लिखता है दे आर कॉल्ड कॉपी राइटर्स. जैसे छोटा छोटा कुछ अगर आपको अच्छा क्रिएटिव माइंड है, यू कैन डू दैट. देन अभी क्रिसमस आ रहा है, राइट, तो एक दूसरे को अगर आप यू आर गुड एट कुकिंग तो चॉकलेट वगैरह बना सकते हो. देन पेंटिंग हो गया, हैंडमेड गिफ्ट्स हो गए. अभी दिवाली गई, दिए बना सकते हो कलर करके, वो बेच सकते हो. सो देर आर सो मैनी वेज, एंड दिस इज नॉट ओनली वे टू अर्न मनी. आप बहुत कुछ सीखोगे जो आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा. लाइक सपोज हम लोग एक एक्टिविटी लेते हैं, ठीक है, मेरे को सबका आंसर चाहिए. सपोज हम लोग ने सबने दिया का बिजनेस चालू किया, ठीक है, तो आप एक दिए के लिए कितना चार्ज करोगे? हाउ मच विल यू चार्ज फॉर वन दिया? यू आर सेलिंग दिया सपोज, how much will you charge? 10 rupees. Who said this 10 rupees? Shakti madam. Okay. Saksham, how much will you charge? Double of MRP. Sorry? 40 rupees. Saksham, you are not audible. Can you please repeat? Can you put your answer in the chat box, Saksham? Ronan, and then I want everyone to reply. Anushka, केविन, आप लोग इफ अनम्यूट नहीं कर सकते हो तो चैट बॉक्स में डाल दो. बालचंद्र इज सेइंग 50 rupees. ओके. अदर्स, कम ऑन कम ऑन, फास्ट. ईच दिया, हाउ मच विल यू चार्ज? आई
I'll sell it for 25 rupees. Who is saying? Kevin. Kevin. Okay, Kevin. I'm sorry. Okay, Kevin. Cool. 25 rupees. And now the question is, Anushka is saying 20. Amazing. Fine. Now the question is, if Ranveer 100 rupees won the year. Whoa. Nice. Now the question, 10% more than money it cost me to make the diya. Amazing, Ronan. So, now the question is, if you are going to buy diya, theek hai, kisi ke paas se buy karne ja rahe ho, toh how much you are willing to pay? Agar aap abhi buy karne ja rahe ho diya, toh kitna paisa doge? How much you are willing to pay? 20, 30, Anushka is saying. 10 rupees from Shakti. 10 rupees. This is Rama Balchandra's daughter. Okay, Rama. Okay. So, whenever you are starting a business, you need to ask yourself, price price. You need to ask yourself, how much am I willing to pay for this product? Utna hi aap charge kar sakte ho. And also, you need to keep a profit margin. Jitna aapko pad raha hai, usse thoda percent aap add karke karoge. Then you will understand ki uska marketing kaise karna hai, because aap sirf product bana ke paise nahi baith sakte ho na. You will have to tell people, you will have to call relatives, you will have to call your friends and tell that I have started this business, I have started this service. Okay, so isse kitni sari cheeze wo aapko sikhne milegi, which I have learned now. So you can start learning at your age. Abhi aap school mein ho, abhi se start kar sakte ho. Okay, so there is a task for you all कि आपको ideas के साथ या फिर कोई भी एक चीज करनी है. कल हमारे हमारा कल वापस session है, सब लोग attend करने वाले हो? Yes, no? करने वाले हो, right? Yes. So those who share amazing good ideas and those who are doing something, at least 100 rupees आज earn करो कुछ करके, and they will get a giveaway, amazing giveaway. वो और वो giveaway क्या है वो last में बताऊंगी मैं. So stay tuned. Okay, so moving on to our next topic, planning. Itna sara baatein kiya. Ek game khelenge sab? If possible, please switch on your camera. Okay. Maza aayega. It is matlab bahut sahi game hai. Aur aapke parents ko bula lo if possible. Aaju baaju hai to parents ko bula lo. You will require their help. I'm giving you 1 minute. Parents ko possible hai to bula lo aaju baaju. And Anushka, thank you. And we'll start. Ghumne chale? Let's plan a weekend trip. Aapke paas 15,000 rupees hai. Aaj Saturday hai, to aaj abhi aadhe ye session ke baad nikalta hai. And Sunday kal sham ko, chalo, raat ko 9 o'clock tak humko return aana hai. Place aapko decide karni hai, kaise jana hai, wo aapko decide karna hai, sab kuch aapko decide karna hai. And you need to plan it with your family, ke pure family ke sath hum log ja rahe hain ghumne ke liye. So you have 15,000 rupees and you need to plan a weekend trip for 2 days, Saturday and Sunday. Okay? You need to tell me briefly ki kahan pe kitna expense ho raha hai, kaise plan kar rahe ho, kaun sa destination kya hai, everything. You have 5 minutes. Abhi 11:32 hua hai, 5 minutes ke baad. I will ask you guys, कौन पहले करता है देखते हैं. चलो 1 2 3 your time starts now. Has everyone understood the task? If you have any questions, you can ask the questions. Otherwise, your time has already started. Just to make it clear, you have to plan a weekend trip with your family. You are going today and you will be coming tomorrow. So think of where you want to go, how you will go. And you have a budget of 15,000 rupees. It's a plan, man. Shayad mommy daddy impress okay next weekend leke bhi chale jaye.
use a diary or Excel, whatever you're comfortable with. दो मिनट बचे हैं। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर फैमिली बिकॉज यू आर गोइंग विद फैमिली राइट सो यू कैन टेक हेल्प Ma'am, I've done it. Okay, say. Ma'am, 3,000 to 4,000. One second. I'm calculating. Yeah, start. I'm going to Lonavala. Oh, amazing. And 3,000 to 4,000 rupees fuel with car and 3,000 rupees rent one night private villa and 4,000 for food and enjoyments and what? Okay, continue. Ma'am, 6,000 for the private villa one night rent and 4,000 for food and enjoyments and 4,000 आपके पास और यस एंड सो यू विल सेव 4,000 ओके सक्षम यू रेडी रोनन दोज आर नॉट कंफर्टेबल ये not comfortable to speak, they can put it in the chat box. And I'll share my screen again. I don't know why this window is popping up. Anushka, ready? Yeah, say. So for Alibag, the hotel costs around 2,000, 111. 2,000, okay, 2,111. If we go by a car, then petrol should be around 2,000 for the 2 days travel. And food around 4,000, and then added luxuries if we like plan to shop or do any sightseeing would be another 2,000. Okay, amazing. Anyone else? Saksham, Ronan. Ma'am. Animal trip to Karjat. Karjat, okay. 3,000 for travel. Okay. 2,000 for meals. How much? 4,000. For? Meals. Okay.
5,000 for a private, for a bungalow. And $2,000 for okay, so you are spending 14,000. Anushka was spending 10,000. Now let me check who's left. Sakti. Good morning, ma'am. Good morning. Basically, I'm from Tamil Nadu and I have a plan to visit Kanyakumari. Okay. From here to there, the traveling cost is around 2,000. Okay. And in Kanyakumari, for a hotel to stay per day is around 2,000. So for 2 days, it's around 4,000 totally. And the restaurant cost for eating and food, and for those and all, it's around 4,000. And for a shopping cost, if at all we need to purchase something and all, means it is around 1,000. So totally, my budget is around 11,000. Amazing, Sakti. Am I pronouncing your name right? Yes, yes. Shakti. Oh, Shakti. Okay. Amazing. Now, Rama, is your plan? Yes, ma'am. Yes. So I plan to go to Lonavala from Pune. Okay. Considering the petrol and everything, it will probably be 2,500. Hmm. Then the food, it will be 2,000. Okay. And there for the hotel and everything will be 6,000. Hmm. And then if we go for shopping or some sightseeing, it will be 4,000. Okay. So 14,500 you are spending to yes. go to Lonavala from Pune. Amazing. Yes. Very nice. Now who's left? Who's left? Ma'am, my name is Ray Neri Suva Shakti, ma'am. And earlier speaking? One I am spoke. Sorry. Okay, Sakti. My okay. name is Sakti, ma'am. The yes. earlier girl who spoke was my sister Kavin, ma'am. Mistakenly, she said that her name was Shakti, ma'am. But oh, I'm planning to go to Pondicherry. From my area to Pondicherry, it takes around 80 kilometers, ma'am. So, with my joint family, I'm going there, ma'am. Okay. So, the transport charge will be around 4,000. And at restaurant, it costs 5,000, ma'am. And we'll go to museum and beach and shopping mall, ma'am. So at museum, we'll spend 500. And at beach, we'll spend 500. And at shopping mall, we'll spend 5,000, ma'am. Totally 15,000. Amazing. Very nice. And Ronan has... Thank you. Ronan is saying... one second. I'll just read it out. Ronan is saying trip to Pune, traveling 3,000, hotel booking 1,500, sightseeing, enjoyment like food 4,000, other expenses like snacks, buying item 2,000, and depositing or saving 3,500 rupees. Amazing, Ronan. Yaar, kitne badhiya plan bana hai, mereko ghumne ka man ho gaya. Amazing, very good. So, dekho, maine aapko budget diya tha 15,000 and usme aapko trip plan karna tha. तो जैसे कि प्लानिंग हम लोग घूमने जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है. अभी आप लोगों ने काफी आई गेस रोनन ने इंक्लूड किया एंड बाकी सब भूल गए. देयर शुड बी अ स्मॉल प्लेस फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस. कुछ भी हो सकता है ना. सपोज आपका टायर पंक्चर हो गया, देन टोल नाके पे थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, कुछ लेने की अचानक इच्छा हो गई, वो सब जो मिसलेनियस छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए भी एक स्पेस होती है. जैसे कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाता है तो वी नीड टू प्लान इट प्रॉपरली. सो फॉर सेम वे हम लोग इतना मुश्किल से इतनी सब कुछ करके बेच के सेलिंग योर टाइम स्किल सब कुछ करके वी आर अर्निंग मनी. कैन वी स्पेंड इट ऐसे ही? वी नीड टू प्लान, राइट? प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ट्रिप एकदम सक्सेसफुल जानी चाहिए तो अपना फाइनेंशियल गोल्स भी एकदम सक्सेसफुल होने चाहिए. हमको जो करना है वो हमको अचीव, हमको सब कुछ अचीव करना है, हमारे गोल्स को अचीव करना है, तो फाइनेंसिस भी प्रॉपरली प्लान करने पड़ेंगे. सो फॉर दैट बेसिकली जब भी हम लोग पैसे कमाते हैं तो थ्री वेज टू स्पेंड इट. वन इज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मतलब क्या? खर्चा. एवरी डे जो हम लोग के खर्चे होते हैं, जैसे कि कुछ
एक्सपेंडिचर्स होते हैं, फिक्स एक्सपेंस जैसे कि फीस है, आपको पता ही है जो अमाउंट फिक्स है, जैसे कि फीस है, सपोज आपका पर मंथ 1000 रुपीज किसी क्लास के लिए जा रहा है तो वो जाने ही वाला है, फिर कुछ बिल्स है जो फिक्स अमाउंट के आने वाले वो आते ही है, रेंट सपोज आप पे कर रहे हो तो वो फिक्स अमाउंट है, सो ऑल दोज कम्स अंडर द फिक्स एक्सपेंस. देन वेरिएबल एक्सपेंस बेसिकली सपोज अचानक प्लान हो गया मूवी का जिसका अमाउंट फिक्स नहीं है, जो फिक्स नहीं है कि आप वो मंथ में करोगे कि नहीं करोगे, अचानक आपको मन हुआ यू वेंट टू वॉच अ मूवी तो वो पता नहीं आपको टिकट्स वो टाइम पे कितनी मिलेगी, यू कैन नॉट लाइक बेसिकली आप एक अमाउंट रख सकते हो पर यू कैन नॉट प्लान इट, कभी भी अचानक हो सकता है. अचानक आपने सोचा कि चलो फैमिली के साथ डिनर पे जाता हो तो जिसका अमाउंट फिक्स नहीं है कि कितना होगा, ग्रोसरी शॉपिंग चले गए, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, फिक्स एक्सपेंस वेरिएबल एक्सपेंस, करेक्ट. देन हाउ वॉट वी कैन डू विद द मनी, वी सेव इट, पिगी बैंक में पहले से पैसे जमा किए रहेगा आपने, देन बैंक में सेव कर सकते हो, शायद से आप सबका बैंक अकाउंट होगा ही, किसका किसका है बैंक अकाउंट, सबका बैंक अकाउंट है, अगर आपको नहीं पता तो मॉम डैड को पूछो. आदि आपका है? यस मैम. जस्ट टू पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड. ओके, रणवीर का है, रोनन का है, सक्षम आपका है, सक्षम बैंक अकाउंट आपका कि नहीं? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स लाइक हाउ रमा हैज डन, सो वी नो दैट यू हैव अ बैंक अकाउंट. इफ नो टाइप नो, नो प्रॉब्लम. यस, अनुष्का इज सेइंग यस, अमेजिंग. सो जस्ट शक्ति नो, ओके, सक्षम यस, सो रणवीर इज सेइंग यस, रोनन इज सेइंग यस. ओके, सो जिसका शक्ति आपका बैंक अकाउंट नहीं है, जिसका भी बैंक अकाउंट नहीं है, यू नीड टू ओपन इट, आपके पेरेंट्स के साथ बात करो एंड वहां पे आप आपका पैसा सेव कर सकते हो, जितना भी पैसा मिलता है यू कैन डिपॉजिट देयर एंड कीप इट सेफ. ओके, सो बैंक अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके अगर पेरेंट्स को जो रिप्लाई नहीं दे रहे वो पेरेंट्स को पूछ लो एक बार, नहीं है तो यू नीड टू ओपन इट, ये भी टास्क है आपके लिए, बैंक अकाउंट ओपन करो और पेरेंट्स. ओके मैम, ओके शक्ति, सो उनके साथ जाओ, ओपनिंग प्रोसीजर सीखो, कैसे पैसे डिपॉजिट करते हैं वो सब सीखो, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब मैरिज के होगे तो यू विल थैंक मी, बेचार में मैम ने बोला था इसके लिए मैंने स्टार्ट किया एंड नाउ लाइफ इज सिंपलर, ये टाइम पे नहीं सीखना पड़ेगा. देन इन्वेस्टमेंट, हु नोज व्हाट इज इन्वेस्टिंग, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है? यस आदि मैम, इन्वेस्टमेंट many of things, for many things, for example I have invested in funds like mutual funds and stock market, so amazing. Okay, the first time I invested in stock market my profit was just 26 rupees, but the next time I invested it I almost had it double because I had a profit of 1300. Amazing, nice, very good. Then does anyone know what is investing? आपके मम्मी डैडी कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, पूछो उनको, let me know. कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, कौन से कहाँ पे इन्वेस्ट होता है? Company shares, madam. Company shares, okay, very good, शक्ति. सक्षम, मम्मी डैडी का म्यूचुअल फंड्स. रोनन, put it in the chat box. अनुष्का, कहाँ कहाँ पे आपके मॉम डैड इन्वेस्ट करते हैं या आपने कभी इन्वेस्ट किया हो, व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू नो वेयर वी कैन इन्वेस्ट? मैम, इक्विटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. अमेजिंग, हु वाज दिस? इट्स कविन. कविन, अमेजिंग. देयर आर लॉट ऑफ डेप्थ फंड्स एंड मेनी अदर. या, वेरी गुड आदि, या यू गाइस आर सो इंटेलिजेंट, amazing. So insurance, ulips, Balchandra, Rama is saying, okay, very nice. Insurance is not investment, it is risk product, we'll talk about it later. So we'll okay, investing. So basically investing matlab ki abhi aapne paise kama rahe ho tabhi kitna mehnat karke paise kama rahe ho, right? What if आपका पैसा सपोज आपने 1000 रुपीज आपके पास, दैट ग्रोज टू 1100, 1200, 1300, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग,
You are not doing anything. You are not going out to earn money and selling something. Nothing. You just kept it somewhere. जहाँ पे वो 1,000, 1,200, 1,300, 1,400 हो रहे हैं. That is what investing is. Investing is the process of laying out money now to receive more money in the future. Your money earns money. You are not earning money. You put it somewhere where your money is earning money. Okay. So that is investment. Why do we invest? Returns के लिए invest करेंगे. सीधा बात है. We want our money to grow. तो कैसे कमाते? एक होता है वे ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मतलब क्या? फिक्स परसेंटेज है जो आपको पता है कि उतना मिलेगा. सपोज आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है कहीं पे, तो उस पर आपको आपको बोल दिया कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 1,000 rupees इंटरेस्ट मिलेगा. ये एक वे है. सेकंड वे है कैपिटल अप्रिसिएशन. कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब कि आपका जो 10,000 है वो 11,000 हो रहा है, 12,000 हो रहा है. कैपिटल मतलब क्या? अमाउंट दैट यू आर इन्वेस्टिंग, 10,000, 100,000 जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज कैपिटल. एंड अप्रिसिएशन मतलब क्या? बढ़ना, राइट? सो योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज अप्रिशिएटिंग इज व्हाट कैपिटल अप्रिसिएशन इज. तो इसका हम लोग एकदम डिटेल में जाएंगे आगे. सो जस्ट ये छोटा सा ग्लिम्स था. रिस्क, व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड रिस्क? आई एम शेयरिंग द पोल. आई कैनॉट शेयर इट. गौतम सर आपको दिखा रहे हैं क्या? रिस्क करके पोल होगा. Fear of losing the money. Fear of losing the money. Okay. What else do you comes launch in your mind? Launch करो. हाँ. Okay. A poll is being launched. Just select the option. I want everyone to participate. Okay. I have 3-4 answers. Great. Great. Any more people left to answer? I'm closing the poll. Wow, I think everyone has answered. So I'm going to close the poll now and you will see the results in front of me. I can't see the result. Can you? I cannot see. Saksham, Adi, aap sabko dikh raha hai kya result? Most people have selected what? Loss. Loss. Okay. Then we have uncertainty and the third place is opportunity. Okay. Amazing. So I just got a message from Ronan and he has said something very amazing. He said, you invest in stocks, it can fall and you can make loss. If it rises, you make profit. And as on screen, Warren Buffett said he invested at 11 years and he is still unhappy because he started late. Amazing, Ronan. So coming back to our topic, रिस्क. तो सबने अलग अलग चूज किया. सम पीपल चूज अनसर्टेनिटी, सम पीपल चूज लॉस, राइट? यस, लॉस. सो अभी एक एग्जांपल लेते, छोटी सी स्टोरी सुनते, ठीक है? ये माउस दिख रहा है आपको सामने एंड ही इज वेरी हंग्री, ही वॉन्ट्स टू हैव दैट चीज, ठीक है? बट देयर इज अ ट्रैप देयर. अगर उसने स्मार्टली चीज नहीं निकाला तो वो फंस जाएगा, करेक्ट? तो पर उसको भूख भी लगी है. अगर उसने स्मार्टली निकाल दिया तो ही विल बेनिफिट, ही विल गेट द चीज, उसका टमी फुल हो जाएगा. बट अगर वो फंस गया तो फिर लॉस हो सकता है. सो आर देयर फ्री लंचेस? देयर इज नो थिंग कॉल्ड एज फ्री लंच इवन इन आर डेली लाइफ. काफी लोगों, आप में से काफी लोगों को बिजनेसमैन बनना रहेगा. जस्ट रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू डू बिजनेस जब आप बड़े हो जाओ या अभी से? कितने लोगों को बिजनेसमैन बनना है? बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन, एनीथिंग? आदि, रणवीर, जस्ट रेज योर हैंड. चैट बॉक्स में कर दो या यस भेजो. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम बिजनेसमैन? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू जॉब? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू जॉब? रेज योर हैंड. One person has reached. Yes, business. Ram is saying yes. Business. Ranvir is saying yes. आपको swimming पसंद है? I want to do business. Kavin is saying I want to do business. Sakti, business. Amazing. अभी कोई लोग को job करनी रहेगी, फिर सबको swimming पसंद रहेगा.
I want to do trading, Sakti Singh. Oh, amazing. Nice. So, whatever we want to do, सब चीजों में risk involved है. Not only investing. जैसे कि अगर आप रास्ते पे भी चल रहे हो तो there is a chance ना पत्थर से टकरा के आप गिर गए, आपको पैर में लग जाएगी. Risk है. फिर स्विमिंग क्लास जा रहे हो सपोज, तो भी वहां पे डूब गिर गिर के अंदर ड्राउन हो के सीखोगे, राइट? इफ जॉब, देन अभी देख सक्षम सिंह जॉब, तो वहां पे भी रिस्क इन्वॉल्व है. जैसे कि कोविड में अभी पता रहेगा आपको काफी लोगों की जॉब चली गई, सो देर इज अ रिस्क की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती काफी टाइम. देन बिजनेस में भी रिस्क है कि अगर सपोज आपने किसी प्रोडक्ट का बिजनेस चालू किया एंड वो प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग आउट, ये भी हो सकता है. तो हर एवरी डे टू डे एक्टिविटी में रिस्क इन्वॉल्व है, यस और नो? तो सेम वे इन्वेस्टमेंट में भी है. सो हाउ टू डील विद द रिस्क, व्हाट वी कैन डू इन्वेस्टमेंट में, क्या कर सकते हैं हम लोग? हाउ टू डील विद द रिस्क इज वी कैन नॉट अवॉइड रिस्क. हम लोग क्या चलना स्टॉप कर देंगे? स्विमिंग पसंद है मेरे को, मैं स्टॉप कर दूं कि बिजनेस करना ही है मुझे, तो विल आई ड्रॉप माई आइडिया टू डू बिजनेस जस्ट बिकॉज रिस्क इज इन्वॉल्व? नो, ऑफकोर्स दैट इज वॉट आर गोल्स आर, राइट? So we cannot avoid risk, but we can minimize it. जैसे कि अभी कोविड आया तो पहले हम लोग स्कूल में जाके पढ़ते थे, करेक्ट? जैसे कोविड आया तो अभी भी एजुकेशन स्टॉप हुआ, वी आर स्टिल लर्निंग, राइट? जूम के थ्रू सीख रहे हैं. अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, हम लोग ने प्रोटेक्शन यूज करना स्टार्ट कर दिया. देन अगर स्विमिंग कर रहे हो तो फ्लोटर पहन सकते हो. Ronan is saying it can be high risk, high returns. You can also get less risk but less returns. Perfect. So, jitna risk involved hai, utna zyada returns rahega. Jitna kam risk involved hai, utna kam returns rahega. Simple hai. So, we cannot avoid risk but we can minimize it. So, hum log kaise minimize kar sakte hai in share market or in investing as a whole subject? Diversification. Diversification matlab kya? Again, a quick small story. A person एक शॉप से उसने बहुत सारे eggs लिए and उसको वो eggs लेके जाना है दूसरी शॉप पे, एक शॉप यहाँ पे एक शॉप यहाँ पे. तो ये person के पास एक पूरा टोकरी भर के बहुत सारे eggs है and वो जा रहा है and उसको जाके पहुंचाने वो दूसरी शॉप पे. रास्ते में चलते चलते एक पत्थर आया, उसका पैर उससे हिट हुआ and he fell, सारे अंडे टूट गए. Now he went to the shop, other shop. उसका जो ओनर था उसने उसको उसके ऊपर चिल्लाया, अरे यार तुझे समझ नहीं आता, ये क्या है, ऐसे क्यों लेके आ गया तू, तेरे को अलग अलग बास्केट में लाना चाहिए ना, ऐसे इतने सारे अंडे लाएगा तो फिर गिरेगा ही. तो क्या कर सकता था वो, अलग अलग बास्केट में ला सकता था, तो एक बास्केट में दूसरे थोड़े अंडे, अगर गिरता भी तो एक बास्केट गिरता, एक बास्केट के अंडे गिरते, बाकी सब तो सिक्योर हो जाते. यस नो? सो सेम वे इन इन्वेस्टमेंट we can diversify rather than investing all money in stock, divide it and put that money in three different stocks. Perfect, Ron. Not only stocks, in all the investment opportunities, all the asset classes. What are asset classes? I'll tell you now. So where do we invest? कहाँ पे आप diversify कर सकते हो? कहाँ पे invest कर सकते हो? So जैसे कि हर चीज में categories होती है, chocolates में different categories होती है, flowers में different categories होती है, games में भी indoor gate गेम्स आउटडोर गेम्स होती है. सेम वे वी हैव कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर इज स्टॉक मार्केट, देयर इज फिक्स्ड इनकम एंड देयर इज अदर. नाउ वन बाय वन विल गो. व्हाट इज फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट? फिक्स्ड इनकम मतलब जहां पे फिक्स मतलब क्या, कंफर्म, बराबर, एंड जहां पे आपको पता है कि कंफर्म आपको कितना मिलेगा रिटर्न में, दैट इज व्हाट फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स आर कॉल्ड. फिक्स्ड इनकम में फिक्स्ड इंटरेस्ट रहता है, फिक्स्ड मतलब कंफर्म आपको पता है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा. मीनिंग फिक्स्ड डिपॉजिट सुना है? कितनों ने फिक्स्ड डिपॉजिट सुना है? जस्ट रेज योर हैंड एंड पुट यस इन द चैट बॉक्स. फिक्स्ड डिपॉजिट कभी सुना है? एफडी ऐसा कुछ सुना है कभी? यस नो? कुछ सिर्फ यस नो कुछ भी पोस्ट करो. रॉनन इज सेइंग यस. आदि सक्षम, everybody has heard of it. Adi is saying yes. Rama is saying yes. Saksham is saying yes. Okay. Yes. Ranveer is saying yes. Amazing. So basically, fixed deposit में क्या होता है? आपके पास सपोज पैसा है, ठीक है? तो आपने बोला कि मुझे अभी इसको एफडी में इन्वेस्ट करना है, मतलब कि आप बैंक के पास जाओगे, आप बोलोगे कि मुझे ये डिपॉजिट करना है, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है. तो अभी वो आपको क्या पूछेगा कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है? तो आपने सपोज बोला एक साल के लिए मुझे एफडी में इन्वेस्ट करना है.
तो उसमें फिक्स टेन्योर रहता है, पहले से आपको पता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। फिक्स टेन्योर मतलब क्या, फिक्स टाइम, एक साल बोला तो एक साल के बाद आपको आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि अभी आप पूछोगे क्या, बैंक ने पूछोगे कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, आपने बोला एक साल, तो आप बोलोगे रिटर्न में आप मुझे कितना इंटरेस्ट दोगे, मतलब कितना रिटर्न मिलेगा मुझे, तो उसने बोला सपोज 10%, तो आपने बोला ठीक है, तो आपने अभी 10,000 rupees इन्वेस्ट किया, उस पर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। एंड जो अभी एक साल के बाद आप रिटर्न लेने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वो जो 10,000 आपने इन्वेस्ट किया था, योर कैपिटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो प्लस इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया 10,000 का 10%। सो आई विल जस्ट शेयर अ पोल, सर कैन यू शेयर द पोल ऑफ एफडी? गौतम सर, आई गेस ही इज नॉट देयर। ओके, जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स, हाउ मच मनी यू विल रिसीव एट द एंड ऑफ द वन ईयर, मतलब मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योर जब भी आपका वो वन ईयर खत्म होगा तभी कितना, आपने 10,000 इन्वेस्ट किया उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है। मैम इफ यू इन्वेस्ट 10,000 और 1,000, यू आर इन्वेस्टिंग 10,000, उस पर 10% इंटरेस्ट है, 10,000 का 10% कितना होता है 1,000, 10,000 प्लस 1,000 हाउ मच Ronan 11,000, Sakti is saying 11,000. Saksham, how much will you get after 1 year? Anushka, how much will you get after 1 year? Rama 11,000. Ma'am, if you get interest per month or per year? Lump sum. एक साथ हमने 10,000 डाल दिया, not per month, not per year. एक साथ आपके पास 10,000 था, 10,000 डाल दिया, और after 1 year you will go to the bank and you will get it returned. This is not SIP. One time lump sum मतलब एक साथ पैसा जमा करके you invested. Anushka is saying 11,000. Ali basically आपके पास suppose आपने पैसे जमा किए 10,000 rupees, you went to the bank and आपने 10,000 rupees invest किए. Bank ने बोला you will get 10% interest. 10,000 का 10% कितना होता है आदि? Unmute करके बताओ. आदि अच्छा वो इज इट देयर? सक्षम इज सेइंग 1,000. यस, सो बेसिकली आफ्टर 1 year यू विल गेट 10,000 प्लस 1,000 11,000. 10,000 आपने एक साथ इन्वेस्ट किया, समझा आदि? नाउ क्लियर? यस पक्का? या ओके अमेजिंग. सो दैट्स हाउ एफडी वर्क्स. देन There's alternate investments like gold. Gold में आपने देखा रहेगा आपके parents invest करते हैं, mom dad gold में invest कर सकते हो. जो gold का price होता है that keeps on changing. तो अगर suppose आपने अभी gold लिया and then आगे जाके उसके price बढ़ जाते हैं या कम होते हैं, so that way you earn money. Then property में invest कर सकते हो. Suppose आपने आपके पास अभी पैसे excess में है, आपने घर लिया, कोई भी एक land ले ली and then उसको आपने rent पे दे दिया, तो वो रेंट आपको पर मंथ आएगा, तो दैट इज योर रिटर्न्स ऑन प्रॉपर्टी. एंड जब भी कैपिटल भी अप्रिशिएट होगा, कि सपोज आपने वो जो लैंड है वो 2 lakhs में लिए, आफ्टर 1 year somebody is willing to pay you 3 lakhs and buy the same land, तो वो जो 1 lakh का डिफरेंस है दैट इज योर्स, करेक्ट? तो वो प्रॉपर्टी हो गया. देन बॉन्ड्स सपोज आप एक कंपनी के बॉन्ड्स में या कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, कि एक पेपर आएगा उसमें लिखा रहेगा कि ठीक है यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 10 years, फिर ये इंटरेस्ट रेट है, इसमें भी फिक्स इंटरेस्ट रेट पता रहेगा आपको, ये फिक्स इंटरेस्ट रेट है एंड 10 years के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, आपने अभी इतना इन्वेस्ट किया है, दैट इज व्हाट बॉन्ड्स आर. देन आर्ट एंड इंटेक्स, आपने देखा रहेगा काफी लोगों को बहुत सा वो वास रहता है, फिर एकदम अमेजिंग पेंटिंग्स वगैरह में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है, तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं लोग. तो ये भी ऐसा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड देयर इज म्यूचुअल फंड्स. सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड? अ म्यूचुअल फंड, टेल मी, आदि हैज रेज्ड हिज हैंड, प्रोबब्ली हैज अ क्वेश्चन. आदि से आदि, Adi, we can't hear you. If you have a question, you can tap. I mean, you can type in the chat box. Sir, I just forgot the question. It's okay. If you remember, please put it in the chat box. Whenever, जब भी याद आए.
Okay, so we were talking about mutual funds. So many people said that they invest in mutual fund. Adi ne bola tha. So what mutual fund is? A mutual fund is a company that pulls money from many investors and invests the money in securities such as stocks, bonds, etc. One better sentence will break it. Okay? Simple sa story again. Kiska birthday aa raha hai? Kiska birthday aa raha hai abhi? Ya fir abhi recently gaya hu? Don't worry, party nahi mangogi. अच्छा सर का बर्थडे आ रहा है कभी है सर आई कांट हियर यू अमोल सर का कल है अच्छा ओ तो आपके पास से पार्टी लूंगी मैं ओके सो अमोल सर का बर्थडे है ठीक है तो अमोल सर ने बहुत अमेजिंग पार्टी थ्रो की है और अमोल सर ने बोला कि सब बच्चों को भी बुलाऊंगा जितने भी बच्चों ने चिल्ड्रन इन मनी अटेंड किया है सब बच्चों को मैं बुला रहा हूँ ठीक है एंड बहुत बड़ा एकदम मस्त पार्टी उन्होंने थ्रो किया है तो अभी हम लोग ऐसे ही जाएंगे क्या वी विल गेट अ गिफ्ट फॉर हिम करेक्ट तो वन सेकेंड हाँ तो अभी हम लोग गिफ्ट लेने के लिए गए ठीक है हम सब बच्चे गिफ्ट लेने गए अभी हम लोग को सपोज एक बहुत अच्छा ड्रेस मिला है एंड वी वॉन्ट टू गिफ्ट हिम फॉर्मल शर्ट एंड एकदम सर को बहुत पसंद है एंड एक पेन मिली है कुछ भी एकदम बहुत अच्छा गिफ्ट हमको मिला है बट दैट कॉस्ट इज 1000 rupees अभी हम सब तो छोटे छोटे है ना तो हम लोग के पास 1000 rupees तो होगा नहीं पॉकेट में तो अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग को तो पॉकेट मनी मिलता है पूरा 1000 rupees तो डाल नहीं सकते तो हम लोग क्या करेंगे आदि बोलेगा कि मेरे पास 300 rupees है सक्षम बोलते हैं कि मेरे पास 200 है मैंने बोला 50 rupees है मेरे पास अनुष्का ने बोला कि शी हैज 100 rupees शक्ति बोल रही है कि उसके पास 500 rupees है तो हम सब ने पैसे जमा किया सबने बोला कि जिसके पास जितना जितना सेविंग्स पड़ा है या थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है वी विल पुल द मनी एंड बाई द गिफ्ट एंड गो टू द पार्टी तो अभी हम लोग ने पैसे जमा किए गिफ्ट लिए एंड वी वेंट टू द पार्टी अभी अमूल सर को हम लोग ने गिफ्ट किया अमूल सर इज वेरी इंप्रेस्ड बोले कि यार कितना मस्त गिफ्ट है मुझे यही चाहिए था तो अमूल सर ने डिसाइड किया कि ही विल गिव रिटर्न गिफ्ट तो रिटर्न गिफ्ट में उन्होंने क्या बोला जिसने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया था उसको मैं उतनी चॉकलेट दूंगा चार्मी ने 50 rupees दिए थे तो चार्मी को एक चॉकलेट आदि ने 100 rupees दिए थे तो आदि को 2 chocolates अनुष्का ने 150 दिया तो उसको 3 chocolates सो सेम वे म्यूचुअल फंड वर्क्स व्हाट इट डज हमारे जैसे जितने भी लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड विल पूल मनी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पीपल किसी के पास से 1000 लिया किसी के पास से 500 लिया किसी के पास से 2000 लिया 5000 लिया जिसके पास जितना जितना पैसा है दे पूल द मनी एंड देन दे विल इन्वेस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास हम लोग ने FD की बात की हम लोग ने बॉन्ड्स की बात की हम लोग ने गोल्ड की बात की हमने रियल एस्टेट की बात की वो जितने भी एसेट क्लास की बात की स्टॉक्स ये सब जगह पे वो पैसा इन्वेस्ट करता है ठीक है दैट इज हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स सो इट विल पुल द मनी फ्रॉम ऑल द पीपल एंड इन्वेस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस एंड हाउ वी विल अर्न रिटर्न जिसने जितना इन्वेस्ट किया उतना उसको रिटर्न मिलेगा उसका एक शेयर प्राइस पता रहेगा आपको क्या है अगर नहीं पता तो हम लोग कल उसके बारे में जानेंगे टुमारो द सेशन इज गोइंग टू बी ओनली अबाउट स्टॉक मार्केट सो स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट किया है सपोज किसी सॉरी स्टॉक मार्केट में जैसे शेयर प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड में एक NAV रहता है एक प्राइस रहता है वो अप्रिशिएट या ऊपर जाता है या नीचे जाता है सिंपल लैंग्वेज में सो अगर सपोज 50 rupees है तो वो अगर 60-70 rupees होता है तो वो आपका रिटर्न हो गया जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना यू विल गेट इन रिटर्न दैट इज हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क क्लियर यस नो पुट इट इन द चैट बॉक्स यस And so tomorrow we are going to talk about share market. How many of you are excited share market के बारे में जानने के लिए पूरा session share market पे होगा. Join करोगे सब लोग? Excited about it. What? Adi? I'm too excited about it. Amazing. Ronan, will you join? Sakti, myself. You'll join Sakti. Okay. Did you have fun today? You like the session? Very yes, ma'am. Amazing. Very much, ma'am. Did you have fun doing the task, planning task and all those small, small stories and games? Did you like it? A lot. So you can also tell your friends to join tomorrow. And also, what is the giveaway? जिसके लिए आप लोग सब लोग वेट कर रहे थे अब स्टॉक्स पता है कितने लोगों को कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं आदि इन्वेस्ट करते हैं तो आदि को पता रहेगा शायद Yeah, I invest from this that Upstock only.
अच्छा ओके सो दोज हु डोंट नो अपस्टॉक्स क्या है उसके बारे में कल मैं बताऊंगी. सो बेसिकली इससे आप शेयर वगैरह सब कुछ देख सकते हो. तो व्हाट वी आर गोइंग टू गिव यू इज फ्री अपस्टॉक्स अकाउंट. जो भी बच्चा कल एक अच्छे आइडिया के साथ आ रहा है टू अर्न मनी, और आज आप कुछ भी 100 rupees 200 rupees मेहनत करके अच्छे से कमा रहे हो, तो वी आर गोइंग टू गिव दोज किड्स फ्री अपस्टॉक्स अकाउंट. ओके एवरी 110 ADA are of Upstocks. Sorry, I couldn't get you, Ronan. I mean ADD. Okay. 110 ADD are of Upstocks. Okay, got it. On TV, advertisements. Okay. Yeah. So, we will give you free Upstocks account. जिसमें आप share देख सकते हो. If आपको सब शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो और सब कुछ कर सकते हो. अगर आपको खुद का अकाउंट नहीं खोलना है, आपके पेरेंट्स का खोलना है, तो वो भी कर सकते हो. वी विल गिव यू वन फ्री अकाउंट. ओके सो सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस जूम एंड होपिंग टू सी योर फ्रेंड्स टू. एंड यू कैन डू दिस एक्टिविटी जो भी हम लोग ने बोला, यू नीड टू अर्न विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. एक ग्रुप बना के एक साथ में कर सकते हो. कूल. Thank you. Great to see all of you till the end. Tomorrow's session will be more exciting and more practical. So please be in the session before time. We love to see people so we can start the session on time. And okay? Also one more announcement. आपको Money Control app download करके आना है. We are going to make portfolio, our own portfolio. Okay. So you need to download Money Control app. Thank you from Kavin and Shakti. Thank you. Most excited, ma'am. Amazing, Shakti. I am excited to see you tomorrow. I am excited. Thank you. Bye. See you all. See you all tomorrow. Take care. Take care. Bye-bye.